दोस्तों देख सकते हैं आधार कार्ड में आईडी प्रूफ एंड एड्रेस प्रूफ के लिए एक डॉक्यूमेंट अपलोड कराया जा रहा है अगर ये डॉक्यूमेंट 14 दिसंबर से पहले नहीं करते हैं तो आपको जो है एक बहुत बड़ा फाइन देना होगा आपके आधार कार्ड पर यानी कि इसी काम को करने के लिए आपको जो है पैसे देने होंगे तो अगर आपके भी आधार कार्ड में इस तरह का कुछ एरर है जरूरी नहीं है कि सबके आधार कार्ड में होगा लेकिन अगर आप अपने आधार कार्ड में जरूर इस तरह का एरर को चेक करेंगे अगर आपके आधार कार्ड में इस तरह का एरर है तो उसमें जो है डॉक्यूमेंट जरूर अपलोड करेंगे तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बताते हैं कि अगर इस तरह का एरर है तो उसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इस तरह का एरर को आपको कैसे ठीक करना है दोस्तों माई आधार वेबसाइट पर आने के लिए आपको जो है माई आधार लॉगिन इस तरह से गूगल पर टाइप करना होगा इस तरह से माई आधार लॉगिन टाइप कीजिएगा तो आपको जो है कुछ इस तरह का वेबसाइट सबसे फर्स्ट में मिलेगा आपको जो है इसी पर क्लिक करना है इस पर आप क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है आपको यहाँ से लॉग करना होगा तो जो भी आपके पास आधार नंबर है यहाँ से आधार नंबर डालेंगे और ये कैप्चा भर के यहाँ से सेंड ओ पर क्लिक करेंगे आपके रजिस्टर्ड आधार कार्ड पर जो भी मोबाइल नंबर दिया हुआ है उस पर जो है एक ओ जाएगा उस ओ को डाल के यहाँ पर लॉग पर क्लिक करेंगे लॉगिन हो जाने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा आपका जो है यहाँ पर आधार कार्ड में जो भी फोटो है यहाँ पर फोटो दिखाया जाएगा तो अगर आपके भी आधार कार्ड में इस तरह का कुछ एरर है तो आपको जो है इस एरर को ठीक करना होगा इसको ठीक करने के लिए देखिए सबसे फर्स्ट में ही ऑप्शन दिया हुआ है डॉक्यूमेंट अपलोड आपको जो है इस पर क्लिक करना है ये सर्विस जो है चौदह तारीख तक यानी कि चौदह दिसंबर तक जो है ये फ्री है उसके बाद जो है आपसे चार्ज लिया जाएगा तो आपको जो है चौदह तारीख से पहले ही ये काम कर लेना है उसके बाद जो है यहाँ से नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे यहाँ पर इंट्रक्शन दिया हुआ है कि आपको कैसे काम करना है तो उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे जो भी आपके आधार कार्ड में डिटेल है यहाँ पर डिटेल को शो शो किया जाएगा जो भी आपका एड्रेस है डेट ऑफ बर्थ है नाम है यहाँ पर दिखाया जाएगा आपको जो है इस तरह से नीचे आना है यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा कि जो भी मेरा एड्रेस है वो इस तरह से सही है यहाँ से टिक करेंगे और यहाँ से नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद जो है आपको यहाँ से डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन मिलेगा जो कि दो एम से नीचे का होगा आप जो है बहुत ही आसानी से कोई सा भी डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट साइज आपको बहुत बड़ा मिल रहा है जेपीजी पीएनजी पीडीएफ फाइल कुछ भी हो आप जो है बहुत ही आसानी से डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लेंगे जो सबसे पहला ऑप्शन मिलता है आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा तो इसके लिए यहाँ से सेलेक्ट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे यहाँ से बहुत सारा डॉक्यूमेंट मिलेगा आपको इस तरह से बहुत सारा डॉक्यूमेंट मिलेगा आपको इसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करना है और उसको अपलोड करना है तो चलिए हम यहाँ से टेंथ का मार्कशीट हमारे पास है हम यहाँ से टेंथ का मार्कशीट अपलोड करेंगे अगर ये आपके पास नहीं है तो यहाँ से बहुत सारा ऑप्शन मिलता है आप उसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लेंगे यहाँ से टेंथ का मार्कशीट पर हम क्लिक किए यहाँ से ओके पर क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ से व्यू डिटेल्स यानी कि अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे यहाँ से कंटिन्यू टू अपलोड पर क्लिक करके आपके गैलरी में जहाँ भी आपका डॉक्यूमेंट है इस तरह से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ओपन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर लिख रहा है डॉक्यूमेंट फॉर्मेट नोट सपोर्टेड यानी जे पी जी और पी फाइल में होना चाहिए तो चलिए हम एक बार डॉक्यूमेंट को अपना चेक करके फिर से अपलोड करते हैं दोस्तों हमारे पास जो डॉक्यूमेंट था वो जेपी में था हमको उसको जो है पी में कन्वर्ट करके इसको अपलोड किए हैं तो अपलोड हो गया है उसके बाद आपको नीचे आना है यहाँ से एड्रेस प्रूफ के लिए आपको इस तरह से डॉक्यूमेंट अपलोड करना है तो इसमें भी जो है आप यहाँ से सेलेक्ट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे और जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है यहाँ से उसको सेलेक्ट करेंगे तो हम यहाँ से बैंक अकाउंट स्टेटमेंट को इसमें सेलेक्ट करते हैं क्योंकि हमारे पास बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट है तो हम इसको जो है ये सेलेक्ट कर लेते हैं अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसमें से कोई दूसरा भी सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से बिजली बिल है गैस बिल है इस तरह से किसान पशु बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है इस तरह से डोम निवास प्रमाण पत्र भी है यानी आवासीय भी है तो हम यहाँ से जो है बैंक अकाउंट स्टेटमेंट जो है सेलेक्ट कर लिए हैं उसके बाद यहाँ से अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे कंटिन्यू कंटिन्यू टू अपलोड यहाँ से स्टेटमेंट का इस तरह से फोटो कापी हम यहाँ पर लगा दिए हैं उसके बाद आपको यहाँ से एक ऑप्शन मिलता है टिक करने का आपको यहाँ से इस पर टिक करना है और इस तरह से नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ये ओके okay पर क्लिक करेंगे उसके बाद जो है इस तरह का कुछ ऑप्शन दिखाया जाएगा कि सर्विस जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है तो आपको जो है यहाँ से आगे सबमिट पर इस तरह से क्लिक कर देना है इस तरह से ये सबमिट हो जाएगा सबमिट हो जाने के बाद जो है आपको एक रिसीविंग नंबर इस तरह से रिसीविंग जनरेट हो जाएगा आपको इस तरह से डाउनलोड पर क्लिक करके उसका एक पी फाइल डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं है अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद